जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उस वक्त हम करेंगे क्या। ठीक है, एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 हैविंग बैलेंस शीट एज फॉलोज। कैपिटल है ए और बी का और रिजर्व है देयर क्रेडिटर एंड बैंक लोन, लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग एंड मशीनरी। द क्वेश्चन सेज सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी हमारा नया पार्टनर आया है बेटा। फॉर 1/5 शेयर ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल। कितना कैपिटल आता है वो? 3 लाख। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस बात का ख्याल रखना, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल की ए की है 2 लाख और बी की जो है वो है 3 लाख। सी का कोई है नहीं। इसके बाद सी लाता है कैश बेटा 3 लाख एज कैपिटल। कितना लाता है सी? इस बात का ख्याल रखना माय डियर, वहां पे कह रहा है बट डज नॉट ब्रिंक हिज शेयर ऑफ गुडविल इन। ये अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता। वो कितना था? 50,000। इसे लाना था ना 50,000 और वो 50,000 हमें देना था ए और बी को एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरे दिन हम ऐसे लिखते थे बाई प्रीमियम, वही लिखते थे एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे मिलता 30, इसे मिलता 20। बट माई डियर, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये प्रीमियम नहीं लाता। अगर ये प्रीमियम नहीं लाएगा तो हम क्या करें? हम उसके करंट अकाउंट से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। ओके, सिंपल। जब ये प्रीमियम नहीं लाएगा तो हम इसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय डियर? फिर से समझना माय डियर, जब ये प्रीमियम नहीं लाएगा, जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाएगा, हम उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। सो सीज करंट अकाउंट 30,000 और 20,000, बस बाकी कुछ है नहीं। द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो बढ़ गया बेटा। कितना बढ़ गया? 10%। नाउ लिसन टू मी माई डियर, यहाँ पे लिखेंगे बाई लैंड और बाई बिल्डिंग। लैंड का वैल्यू जो है वो बढ़ गया। अगर बढ़ो इतना नफा, लैंड का वैल्यू बढ़ गया 10% बेटा। 10% 10% ऑफ 3 लाख बेटा, दैट इज इक्वल 30,000। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आ रहा है? ठीक छोस गुबरा, दैट्स इक्वल 30,000। वैल्यू जो है वो भी बढ़ गया बेटा। कितना? 10%। 10% ऑफ बिल्डिंग का वैल्यू क्या है बेटा? 1,50,000। सो दैट इज 15,000। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है। अगर कम हुआ है या नफा के नुकसान, नुकसान का पूरे जवाब डेबिट साइड टू मशीनरी बड़ा कितना? 10% ऑफ 1 लाख। सो दैट्स इक्वल 10,000। I'm but you wanna point a creditors of rupees 10,000 have left their claim. उन्होंने क्लेम छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये पैसा चाहिए गई नहीं। बदार है किस इंसान 10,000 तेव नियर गई चाहिए। अगर मैं कर्ज दराता है पोंस इशा नफा के नुकसान, नफा कशिर बसौदा बदार रहे 10,000 रुपये चे वोनुत नियर है मैं गई चाहिए, मैं चुन जरूरत थी, मैं मिलियो ना नफा, मैं मिलियो ना नफा। सो क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 हैव लेफ्ट देयर क्लेम, उन्होंने अपनी क्लेम छोड़ दी। इट मीन्स मुझे मत ना उन्हें पैसा देना है। तेली यू गो नफा बाय क्रेडिटर्स। कितना है बेटा? 10,000। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा बाद में एंड पे अगर टोटल करेंगे आप, सो विच इज द बिगेस्ट साइड गई 5,50,000 छ
یپٲرۍ تہِ لیکھٕ بہٕ 55,000 مگر یپٲرۍ ما چھُ 55,000 یپٲرۍ کوٗتاہ چھُ 10,000 سو رِویلویشن پرٛافِٹ 55,000 ماینَس 10,000 سو دیٹٕس ایٖکوَل 45,000 یہ 45,000 ہم دیں گے کس سے اولڈ پارٹنر کو ٹو اے ٹو بی ریشو کیا ہوگا اولڈ ریشو 3/5 انٹو 35,000 سو یہاں پہ 27 آ رہا ہے اور یہاں پہ بیٹا سو 18,000 آ رہا ہے سو دس واز آل اباؤٹ یور ریویلویشن اکاؤنٹ ناؤ لیٹس ٹاک آف کیپٹل اکاؤنٹ سب سے پہلے اوپننگ کیپٹل اس کے بعد اس نے کیش لایا پریمیم نہیں لاتا ہے تو پریمیم کے بجائے ہم نے کیا لے لیا اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے بیٹا اور یاد رکھنا یہ جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ آپ کو دکھانا ہے بیلنس شیٹ میں ایز ایسٹ یہ جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ آپ کو دکھانا ہے بیلنس شیٹ میں ایز ٹھیک اوکے ناو ڈیئر اَمہِ پَتہٕ حظ چھُ بیٹا بیٛاکھ پویِنٛٹ اَتہِ حظ چھُ رِزٲو گۄڈٕ یہِ نا رِویلویشن پرٛافِٹ رِویلویشن پرٛافِٹ سے کیپٹل بَڑے گا اسی لیے آتا ہے کرٛیڈِٹ سایڈ رِویلویشن پرٛافِٹ بیٹا کوٗتاہ حظ چھُ ییٚتٮ۪ن 27,000 بیٚیہِ کوٗتاہ حظ چھُ ییٚمِس 18,000 اَمہِ پَتہٕ حظ چھُ گوٚبرا بیٛاکھ پویِنٛٹ دیر اِز رِزٲو رِزٲو چھِ حظ اولڈ ایڈجسٹمنٹ بیٹا رِزٲو چھُ گوٚبرا 1,00,000 یی اولڈ ریشو پٮ۪ٹھ ڈِوایڈ کرنہٕ ییٚمِس یی 60,000 ییٚمِس یی 40,000 وَن سا گوٚبُر پاک صٲبن 2,30,000 2,90,000 گوٚو 3,17,000 3,20,00,000 3,60,000 3,70,000 3,70,000 3,68,000 3,00,000 ٹُو بیلنس یوبلِگڈی 3,17,000 3,68,000 تہٕ بیٚیہِ 3,00,000 سَر یوٚتامَتھ مۄکلیو حظ وۄنۍ چھُنہٕ حظ بَناوُن بیلَنس شیٖٹ ہے کیٛاہ حظ چھُ بَناوُن بیلَنس شیٖٹ اِٹ اِز بیلَنس شیٖٹ آفٹر سیٖز ایڈمِشن کیٛاہ لِکھتے ہے آفٹر اوکے ناو سب سے پہلے ہے وہاں پہ کیپٹل اب ہمارے پاس کتنے پارٹنر ہیں 3 اے بی اور سی اے کا کیپٹل کیا ہے 3,17,000 یہ ہوتا ہے آپ کا کیپٹل بی کا کیا ہے 3,78,000 اور سی کا کیا ہے 9,95,000 اس کے بعد ہے ریزرو اس کے بعد کیا ہے ریزرو بیٹا ریزرو نہیں آئے گا کیونکہ آلریڈی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بعد ہے بیٹا کریڈٹر مگر یاد رکھنا بیٹا کریڈٹر کا آج پوائنٹ ہے یہ کریڈٹر ٲسۍ حظ 50,000 اَمہِ منٛز چھِنہ 10 سُہ ترٛٲومٕژ کٕلیمٕے گوٚو اَمیُک مطلب بہٕ دَرٕ وۄنۍ 40,000 پوایِنٛٹ یاد رَکھنہٕ کریڈٹر اوس 50,000 بہٕ دارٕ ہا 50,000 اَمہِ منٛز چھِ 10,000 یِمو پونٛسہٕ رٔٹۍ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ اگر نہٕ تِم پونٛسہٕ رَٹَن کِہیٖنۍ بیٹا تیٚلہِ چھِ حظ 40,000 اوکے اس کے بعد ہے بینک لون بتایے بیٹا بینک لون کتنا ہے 50,000 یا 1,00,000 ناو لیٹس ٹاک آف ایسٹ مائی ڈیئر ناو دیر از لینڈ جو لینڈ ہے وہ تھا 3,00,000 اَتھ کوٗتاہ اوس ویلیوٗ بَڑیومُت یہِ حظ گوٚو 3,30,000 اور جو سٹاک ہے بیٹا سٹاک حظ اوس گوٚبُر 2,00,000 سٹاکَس منٛز چھُ ویلیوٗ کینٛہہ گوٚمُت نہ کُچھ نہیں تو ڈایریکٹ لِکھیں گے 2,00,000 باہر اس کے بعد بِلڈِنٛگ بِلڈِنٛگ کتنا ہے بیٹا
1,15,000 प्लस हो जाएगा 15, अच छ 15,000 बढ़ियमित गो 1,65,000 मशीनरी छा मशीनरी कूता उस गोबर 1,00,000 अत कूतस कम गोमुत बेटे की यम 10,000 यस गो गोबर 90,000 आई होप तैसो तम पाए ठीक छ। अब मुझे बता दीजिए और एक चीज, सबसे पहले वो कैश लाते हैं, कैश लाते हैं सिर्फ वो 3,00,000 क्या लाते हैं, और प्रीमियम की जगह हम लिखेंगे उसका सी इज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे सी इज ओके बेटा सी का करंट अकाउंट, उसने प्रीमियम कितना लाया 50,000 बस बाकी कुछ नहीं। तो ये पॉइंट था, एक तो यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, और ये आपको एसेट दिखाना है टोटल करें जल्दी 1,13,500 और यहाँ से भी आ रहा है 1,13,500 ठीक है बेटा कंप्लीट है। बेटा जो जर्नल होगा आपका रिवैल्यूएशन की अपनी 3 एंट्रीज बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है किससे होता है लैंड बिल्डिंग क्रेडिटर से, लैंड अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड देयर देयर इज प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल एंड आफ्टर दैट जो कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो जाएगी उसका ख्याल रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, सर टू प्रीमियम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम नहीं लाता है ठीक है बेटा। So entry will be cash account debit to C's capital account and the second entry will be since there is no premium you can't debit it, debit premium account debit, so you can say C's current account debit to A to B ठीक है, हम इसके capital से निकालते हैं बस, बाकी reserve की वो easy entries है, बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है ठीक है। आपके screen पे मैंने एक assignment का question रखा है, try it ठीक है, वो करने से पहले आप नेक्स्ट वीडियो ना देखें ठीक है।